हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से बिहार के सभी इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती का अपडेट आ चुका है। आपने देखा कल बीपीएससी ने आईटीआई प्रिंसिपल का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। टोटल पद 76 है, लेकिन जिस प्रकार की ये पद है, जिस प्रकार की ये पोस्ट है, उस हिसाब से पद बहुत अच्छे हैं। आपको बहुत अच्छा अवसर मिला है बिहार के अंदर आईटीआई कॉलेज में डायरेक्टली प्रिंसिपल बनने का। ठीक है, ये बहुत बड़ा अवसर हो सकता है आप सभी के सामने। ये वैकेंसी हर साल आपको देखने को नहीं मिलती है, ये 3 साल 4 साल या 5 साल या कि बहुत लंबे समय के गैप के बाद ये वैकेंसी आती है। तो आप सभी के सामने आई, मतलब ये आप सभी के लिए बहुत बड़ा अवसर है, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो आज इस वीडियो के अंदर अपन समझेंगे कि क्या इसका रिक्वायरमेंट है, क्या इसका सिलेबस है, फॉर्म कब से भरा जाएगा और लास्ट में इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, किस तरीके से आपको इसकी पढ़ाई करनी है कि जो बचे हुए समय आपके एग्जाम से बहुत अच्छे तरीके से आप सिलेबस फिनिश करके और इस एग्जाम को क्लियर कर पाए। स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले आप सभी के सामने मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है, एक बार देखिए इसे ध्यान से। ठीक है, आप देख सकते हैं पास बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। इसके जो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे, अभी स्टार्ट नहीं हुए, कल ही इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पास देखेंगे तो श्रम संसाधन विभाग, ठीक है, लेबर डिपार्टमेंट के अंदर बिहार के नियंत्रणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उप प्राचार्य एवं समकक्ष स्तर के कुल 76 वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है। 76 पदों पर भर्ती आई है। ठीक ठाक बढ़िया जॉब होती है। जैसे क्या होता है ना, अगर आप मान लीजिए एक ही जॉब करते हैं तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर, तो जॉब जो होती है थोड़ी सी हेक्टिक होती है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। लेकिन सेम ग्रेड पे भी एक प्रिंसिपल की जॉब बहुत अच्छी होती है, ऑफिशियल जॉब होती है, गेजेटेड पोस्ट होती है। तो आप उस रिस्पेक्ट से देखेंगे तो पोस्ट बहुत बढ़िया है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के अंदर आईटीआई प्रिंसिपल की वैकेंसी आई थी, बहुत सारे एस्पिरेंट्स वहां पर सेलेक्ट हुए हमारे। ठीक है, तो अभी अपन यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर टोटल अगर देखेंगे तो अगर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की जो तिथि प्रारंभ होनी है वो 25/3 से स्टार्ट होगी। ठीक है, 25/3 मतलब 25, ठीक है, मार्च से आपके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म स्टार्ट किए जाएंगे भरने, अभी शुरू नहीं हुए हैं, कल ही इसका नोटिफिकेशन आया। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 16 अप्रैल है। ठीक है, बाकी अगर दूसरी अपडेट दिखाऊं, टोटल अगर वैकेंसी की बात करते हैं, टोटल वैकेंसी आपके सामने दिखा दी, 76 पोस्ट है। आप इसमें कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, अनारक्षित की टोटल 14 सीट है। हाँ, बहुत सारे एस्पिरेंट अब ये क्वेरी करेंगे क्या सर, इसमें अदर स्टेट अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। ये जो 14 पोस्ट आपको दिख रहे हैं इसके अंदर आप एलिजिबल हैं। आप अगर अदर स्टेट से, तो आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आप भर सकते हैं। बाकी और अदर कैटेगरी देखिएगा, ईडब्ल्यूएस की टोटल सीटें 8 है, अनुसूचित जाति की यानी कि एससी कैटेगरी की 16 है, एसटी की आपकी 1 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 22 है और आपकी पिछड़ा वर्ग की 15। टोटल अगर बात करें तो 76 पोस्ट है। ठीक है, ये आपके सामने टोटल पोस्ट की बात हो गई। आगे अगर चलते हैं, थोड़ा सा आपके मन में होगा कि इसमें सैलरी कितनी होगी, तो देखिए वेतनमान लेवल 9 की जॉब है, आप देख सकते हैं। ठीक है, लेवल 9 की है, 53,100 रुपए बेसिक वेतनमान है, मतलब ठीक ठाक। सैलरी की टेंशन मत लीजिए, जॉब बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छी सैलरी आपको यहाँ पास मिलेगी। सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है सर इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको। तो अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो साफ साफ लिखा है किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से, भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ये जो AICTE अप्रूव्ड हो, ठीक है, उससे आपने डिग्री करी हो इंजीनियरिंग में, मतलब आपके पास केवल डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में। अब इनमें कोई ब्रांच स्पेसिफिक नहीं है, मतलब अगर आपने सिविल से किया है, मैकेनिकल से किया है, इलेक्ट्रिकल से किया है, कंप्यूटर साइंस से किया है, या किसी भी ब्रांच से इंजीनियरिंग करी, तो आप इस फॉर्म के अंदर भर सकते हो या इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। मतलब यहाँ पास आपकी कोई ब्रांच मैटर नहीं करती, सिर्फ आपने इंजीनियरिंग करी है और आपका एक बेसिक सिलेबस है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो एक बहुत बड़ा अवसर है बिहार के सभी इंजीनियर्स के सभी ब्रांच के लिए, अथवा विश्वविद्यालय अनुदान प्रांता प्राप्त विश्वविद्यालय से, ये सब आपके होने चाहिए। मतलब मुख्यता क्या है, आपके पास कुल बीटेक होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास ये है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसके बाद कुछ विशिष्ट योग्यता की बात करी गई है, एमटेक विशिष्ट योग्यता, मतलब अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, एमटेक कर रखा है, ठीक है, किससे, वही किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय AICTE अप्रूव्ड से एमटेक कर रखा है, ठीक है, अथवा अनुदान, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा जो चीजें मिलेंगी, ठीक है, मतलब आपको इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा अगर आपने एमटेक कर रखा है। अगर आपने एमटेक नहीं किया है तो भी आप इस फॉर्म के लिए इलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं, कंपटीशन कर सकते हैं। ठीक है, तो बीटेक वाले बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, एमटेक अगर आपने कर रखा है तो एक्स्ट्रा बेनिफिट है। आगे चलते हैं, यहाँ पर साफ साफ देखिए नोट लिखा हुआ है, नियमावली के प्रावधान अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत विशिष्ट योग्यता तथा कार्य अनुभव या शिक्षण अनुभव अर्हता नहीं है। मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन में आपके पास एमटेक नहीं है या कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है काम का, तो वो ऐड नहीं होगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आपको केवल बीटेक चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए, बाकी आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, ठीक है, आपके पास एमटेक है, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, उम्र सीमा की बात कर लेते हैं, मिनिमम उम्र आपकी 22 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, और अधिकतम उम्र की बात करें तो आपके 37 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये अपन अनरिजर्व्ड मेल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, जो अगर अदर स्टेट से है या बिहार के अनरिजर्व्ड मेल कैटेगरी के एस्पिरेंट है तो एलिजिबल है 22 से 37 वर्ष वाले।
अगर ओबीसी की बात करते हैं अपन, ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की पुरुष महिला ओबीसी की या अनारक्षित अनरिजर्व महिला की, तो उनके लिए 40 साल तक, अनरिजर्व फीमेल ओबीसी कैटेगरी के एस्पिरेंट उनके लिए 40 साल तक। एवं बात करते हैं अनुसूचित जाति की, ठीक है, यानी कि एससी की एसटी की पुरुष महिला दोनों की, उनके लिए 42 वर्ष तक छूट है। तो आप ये चीज यहाँ पास देख सकते हैं, क्लियर कट। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे अपन, और इसके बाद आपके पास ये एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कैसे इसका सिलेक्शन होगा। तो इसके अंदर सबसे पहले एक रिटर्न एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। लिखित परीक्षा किस आधार पर होगी, उसके अंदर टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। जो 100 प्रश्न होंगे ये आपके जनरल इंजीनियरिंग साइंस के होंगे। अब ये जनरल इंजीनियरिंग साइंस में क्या टॉपिक होंगे उसके अपन डिटेल में बात करेंगे, परेशान मत होइएगा। जनरल इंजीनियरिंग साइंस के 100 क्वेश्चन होंगे और बाकी जो 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, बाकी 50 क्वेश्चन आपके जनरल एप्टीट्यूड के होंगे, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड के। मतलब एक रिटर्न एग्जाम है 150 नंबर का, जिसमें 100 क्वेश्चन आपकी जनरल इंजीनियरिंग से हैं और आपके 50 क्वेश्चन आपके जनरल एप्टीट्यूड से हैं, ठीक है। ये केवल बेसिक सिलेबस है। 3 घंटे का आपका पेपर है, 1/4 की माइनस मार्किंग है, ठीक है। इसी के आधार पर आपकी बनाई जाएगी मेरिट, फाइनल जो सिलेक्शन की मेरिट इसके आधार पर बनेगी। जितने एस्पिरेंट हैं, मतलब 76 का ढाई गुना जो है तो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे फाइनल इंटरव्यू के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर फिर होगा आपका इंटरव्यू, इंटरव्यू के साथ में आपके जो एमटेक के कुछ मार्क्स जोड़े जाएंगे, कुछ मार्क्स आपके बीटेक के भी जोड़े जाएंगे और कुछ मार्क्स आपके एक्सपीरियंस के जोड़े जाएंगे। इन सब के आधार पर फिर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। बट पहला जो आपका क्राइटेरिया है कि आपको ये जो रिटर्न एग्जाम 150 नंबर का, इसे क्वालिफाई करना होगा। और इसके अंदर फाइनल क्वालिफाई करने के लिए आपके पास 76 × 2.5 लगभग 160-190 लोगों की सीट, ठीक है, 190 जो है तो फाइनल क्वालिफाइड होने वाले इंटरव्यू के लिए, ठीक है, 76 का ढाई गुना। तो इनके अंदर आना है, 190 के अंदर आना है, तो आपको इस 150 के अंदर अपनी मेरिट बनानी होगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक कहानी आपके समझ में आ गई। 150 नंबर का पेपर है, एक क्वेश्चन एक नंबर का, 100 क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग के, 50 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के, 3 घंटे का समय, 1/4 की माइनस मार्किंग, इसके आधार पर बनेगी मेरिट। मेरिट में होंगे 190 लोग, इसके बाद ये जाएंगे अपने इंटरव्यू, एमटेक के मार्क्स, बीटेक के मार्क्स और साथ में उसमें ऐड होंगे आपके एक्सपीरियंस के, फिर एक फाइनल मेरिट बनेगी जो इसको फाइनल ज्वाइनिंग मिलने वाली बिहार के अंदर। तो पहला क्या है, पहला जो स्टेप है, पहला जो पड़ाव है, वो है 150 नंबर को क्लियर करना। अब चलते हैं भैया 150 नंबर के अंदर जो है 100 नंबर का जनरल इंजीनियरिंग है, इसमें है क्या, एक्चुअली में क्या पढ़ना है अपने को और कैसे पढ़ना है, आगे बात करते हैं। तो देखो भैया, सबसे पहले आपके सामने हमने सामान्य इंजीनियरिंग का ओपन कर रखा है सिलेबस। इसके अंदर जो पहला टॉपिक होगा आपका इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग यंत्र विज्ञान, जिसे अपन मैकेनिक्स बोलते हैं। अब बहुत सारे एस्पिरेंट, चूंकि अपन बीटेक जो है तो इंग्लिश में पढ़ते हैं, ये चीजें समझ में ना आए, जिनको हिंदी में समझना ऊपर लिखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसका ट्रांसलेटेड फॉर्म इंग्लिश के अंदर। तो पहला सब्जेक्ट आपका है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो आप बीटेक के फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो। जनरल इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपको पढ़ने हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने हैं, मोशन इक्वेशन एंड फंक्शंस पढ़ने हैं, पावर और एनर्जी पढ़नी है। ये आपका तो हो गया मैकेनिक्स वाला पोर्शन, ये फर्स्ट यूनिट है, ये आपको पढ़ना है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। चलते हैं दूसरे के अंदर, दूसरा पॉइंट ये है। दूसरा देखिए सर्वे एंड मेजरमेंट, सर्वे वाला सब्जेक्ट ये है आपका सिविल इंजीनियरिंग का, अगर आपने सिविल से कर रखा है तो। हाँ, अब ये बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, जनरल इंजीनियरिंग मतलब आप किसी भी ब्रांच से हो, आप अगर इलेक्ट्रिकल के हो तो भी आपको सिविल का सब्जेक्ट पढ़ना है, आप सिविल के हो तो भी आपको इलेक्ट्रिकल को पढ़ना है, मतलब ये सिलेबस सारे ब्रांच के लिए कॉमन है, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, मतलब आपको सिविल का भी सब्जेक्ट पढ़ना है। अब ये सर्वेइंग वाला सब्जेक्ट सिविल का है, इसके अंदर डिस्टेंस एरिया मेजरमेंट है, डायरेक्शन मेजरमेंट एंड एंगुलर मेजरमेंट ऑफ स्लोप है, लेविएशन एंड हाइट है, ठीक है, जनरल सर्वे इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल वर्क्स वर्कशॉप मेजरमेंट लाइक एमीटर, वोल्ट मीटर, चार्ज मीटर, इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेशन टेस्टर, एनर्जी मीटर एंड देयर वर्किंग प्रिंसिपल, ये सब आपको पढ़ने हैं। मैकेनिकल वर्कशॉप, इसके बाद इसके अंदर मैकेनिकल वर्कशॉप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट्स हैं, स्ट्रेट प्लेन एंड राउंडनेस मेजरमेंट है। तो ये टोटल आपका सर्वे का कुछ कुछ मिला जुला सिलेबस है, ये आपका सर्वे का पार्ट हो गया जो सिविल के अंदर अपन पढ़ते हैं। यहां तक कहानी क्लियर है। आप चलते हैं थोड़ा अगले पॉइंट के अंदर, तीसरा आपका स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। अब यहाँ पास इसको हिंदी में देख सकते हैं, ये भी आपका सिविल का ही पार्ट है, ठीक है, सिविल के अंदर ही आप पढ़ते हो। जनरलाइज्ड प्रेशर एंड इट्स रिलेशन, मेकिंग लॉज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रेशर, आपने इसको मैकेनिकल के अंदर भी पढ़ा होगा, सोम का सब्जेक्ट होता है। प्रेशर एनर्जी एनालिसिस ऑफ बीम, कॉलम एंड शाफ्ट्स, ठीक है, अनबैलेंस्ड ओरिएंटेशन एट द सेंटर, प्रिंसिपल्स ऑफ डीके, ठीक है। तो ये जो है तो आपको पढ़ने किसके अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड के अंदर, इसका हिंदी अनुवाद भी ऊपर लिखा हुआ है, जो कि ऑफिशियल सिलेबस के अंदर हिंदी दिया हुआ है, ठीक है, इंग्लिश मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं अगला अपना सब्जेक्ट है, तीसरा पॉइंट है इंजीनियरिंग मटेरियल एंड देयर मैन्युफैक्चर, ठीक है। अब इसके अंदर ये पूरा पूरा आपका सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है, ठीक है, ब्रिक लाइम है, सीमेंट है,
ठीक है, सार पैनल है, ढलवा आयरन, ये ढलवा आयरन होता है बेसिकली, यहाँ पर ढलवा लिखा है, ढलवा आयरन स्टील है, नॉन फेरस मेटल्स हैं, टिम्बर, पेंट, मिसेलेनियस इंजीनियरिंग मटेरियल, कुल मिला के बिल्डिंग मटेरियल आपको सब कुछ पढ़ना है। देखिए ब्रिक भी है इसके अंदर, लाइम भी है, सीमेंट भी है, शार्पनेस है, आयरन भी है, स्टील भी है, नॉन फेरस मेटल भी आ गए, टिम्बर भी है, पेंट भी है, मिसेलेनियस भी आ गए, मतलब बिल्डिंग मटेरियल आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। टेस्टिंग ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, टेस्ट के बारे में भी पढ़ना है कि इंजीनियरिंग मटेरियल में कौन कौन से टेस्ट अपन करते हैं, वो भी अपन बिल्डिंग मटेरियल के अंदर पढ़ते हैं। कंसिडरेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक फ्लोर एंड वॉल्स, तो ये आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट भी आ गया, कंस्ट्रक्शन हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर पढ़ते हैं, तो ये बिल्डिंग सिविल इंजीनियरिंग का थर्ड पॉइंट हो गया। ठीक है, आप समझते जाइए, जो लोग इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल वाले, इन सब ये सब भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, आगे देखिए, चौथा पॉइंट है आपका इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, इसके अंदर आपको पढ़ना है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रोजेक्ट प्लानिंग, सीपीएम एंड पार्ट। ये आपने अगर देखा है तो आप इसको सिविल वाले भी पढ़ते हैं, मैकेनिकल वाले भी पढ़ते हैं, ये दोनों का कॉम्बो सिलेबस होता है, इसका एक सब्जेक्ट होता है सीपीएम एंड पार्ट का। ठीक है, सीपीएम एंड पार्ट का, सीपीएम एंड पार्ट, रेट एनालिसिस ऑफ क्रिटिकल कंस्ट्रक्शन आइटम, ये रेट एनालिसिस वाला पार्ट हम क्यूएससी के अंदर भी पढ़ते हैं, रेट एनालिसिस ऑफ क्रिटिकल कंस्ट्रक्शन आइटम ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड सेफ्टी, तो पूरा पार्ट आपका सीपीएम पार्ट वाला है, जो मैकेनिकल सिविल दोनों का है, पर पढ़ना सबको है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे आपका पांचवा पॉइंट है जनरल इंजीनियरिंग के अंदर, परिवहन फेनोमिनन, या इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन फेनोमिनन। इसके अंदर देखिए लीनियर एंड रेगुलर कंडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, बाउंड्री लेयर कंटिन्यूअस इक्वेशन, ठीक है, बाउंड्री लेयर थ्योरी इक्वेशन पढ़नी है आपको, वर्नौलीज प्रिंसिपल्स, एनर्जी इक्वेशन, स्टीम ऑफ ट्रांसपोर्ट कंडक्शन, डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ गैडलिंग, वन डायमेंशनल स्टडी, नेचुरल मूवमेंट ऑफ हीट थ्रू सिंगल एंड मल्टीलेयर मटेरियल्स इंक्लूडिंग वॉल्स, सिलेंडर एंड इंड्यूस्ड कन्वेंट हीट ट्रांसफर, ये सब मैकेनिकल के सब्जेक्ट है। ठीक है, मैकेनिकल के अंदर आप हीट ट्रांसफर वगैरह पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल बाउंड्री लेवल, ठीक है, एटम बोल्टमैन थ्योरी है, ऑफ रेडिएशन है, किरचॉफ लॉ है, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक एंड ग्रे मैटर है, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये पूरा पार्ट आपका मैकेनिकल वाला पार्ट है, थर्मोडायनिक वहां पढ़ते हैं अपन, फर्स्ट और सेकेंड इंपल्स ऑफ रिएक्शन, थर्मोडायनिक फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ पढ़ना आपको थर्मोडायनिक का, वाटर टर्बाइन बिल्ट ऑन पील एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। ठीक है, तो ये तो आपका मैकेनिकल वाला पोर्शन हो गया पांचवा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, छठवां पॉइंट ऊर्जा रूपांतरण, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, मैकेनिकल का सब्जेक्ट है ये भी अगेन। ठीक है, तो आपने स्टार्टिंग के देखा, स्टार्टिंग के दो तीन सब्जेक्ट सिविल के थे, फिर मैकेनिकल के हैं, फर्स्ट एंड सेकंड इंपल्स रिएक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वाटर टर्बाइन बिल्ट ऑन पील टर्बाइन, रेसिप्रोकेटिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, ये भी अपन वहीं पे पढ़ते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे, अगला पॉइंट है अपना, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं प्रारंभिक इंजीनियरिंग या एलिमेंट्री इंजीनियरिंग, ये बेसिकली है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके अंदर आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक सर्किट्स, सर्किट्स लॉ ऑफ एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, मीनिंग ऑफ साउंड, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शंस, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, जंक्शन ट्रांसमीटर, जंक्शन डायोड, इक्विवेलेंट सर्किट, कॉमन एमिटर्स, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, आगे बात करते हैं अगर अपन, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, ठीक है, आगे बात करते हैं अपन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ट्रांसफॉर्मर सर्किट एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, फंक्शन ऑफ डीसी मोटर एंड जनरेटर, फंक्शन ऑफ एसी मोटर एंड जनरेटर, तो ये पूरा सिलेबस आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को कवर करेगा। ठीक है, पढ़ना सारे ब्रांचेस को कॉमन है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है अपना सातवां पॉइंट, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। ठीक है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ओके, इसके अंदर आपका आता है वाटर पॉल्यूशन एंड प्योरिफिकेशन। ठीक है, इनवाय क्या है, पर्यावरण इंजीनियरिंग है, इसको आप जनरली सिविल के अंदर पढ़ते हैं, सिविल के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, वाटर पॉल्यूशन एंड प्योरिफिकेशन, सीवेज ट्रीटमेंट, एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, इकोलॉजिकल बैलेंस, तो ये तो टोटल आपका जो सब्जेक्ट है, वैसे आठ है, मिसमैच हो गया होगा, आठ पॉइंट है। ठीक है, आठ पॉइंट है, ये आपके जनरल इंजीनियरिंग के हैं, आपने देखा आपको सिविल वाले पार्ट पढ़ना है, मैकेनिकल भी पढ़ना है और इलेक्ट्रिकल भी पढ़ना है, ये तीनों आपको आप किसी भी ब्रांच से हैं, इनफैक्ट आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से आपने फॉर्म फिलअप किया तो भी आपको पढ़ने पढ़ने सारे कुछ है जो सिलेबस के अंदर है। अब ये तो आपके 100 नंबर का क्वेश्चन हो गया, यहां से 100 क्वेश्चन बनेंगे, लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या होगा, देखिए समझिए मेरी बात, आपका जो मेन, ठीक है, आपका जो मेन सिलेक्शन होना है, ठीक है, शॉर्टलिस्ट होने 150 नंबर से होने, 100 का टेक्निकल है, 50 का आपका नॉन टेक है, तो निश्चित तौर पर यहां पर जो मेन क्राइटेरिया जनरल इंजीनियरिंग का है 100 नंबर के, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, मतलब इसके अंदर ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे,
ठीक ठाक लेवल का मतलब क्या है, अच्छा लेवल। अब अच्छा लेवल मतलब ये नहीं कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं और आपने एई किया, गेट की तैयारी करी, तो उस लेवल क्वेश्चन नहीं होंगे, बट हाँ अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे एक ओवरऑल मिला करके, क्लियर ना। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से जनरल इंजीनियरिंग में अपनी कमांड बनानी पड़ेगी। अब चूंकि क्या है, सारा का सारा मेरिट यहीं से बन रहा है, 2.5 गुना आप लेने वाले हैं टोटल 76 वैकेंसी का, ठीक है, तो निश्चित तौर पर कंपटीशन सारा का सारा यहीं पर रह जाएगा। तो मेन मुद्दा आपको 150 पर बहुत अच्छा स्कोर करना है अगर आप इस एग्जाम के अंदर सिलेक्शन चाहते हैं। तो अब चलता हूं थोड़ा समय आपको जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस समझाने। देखिए जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस हिंदी में कुछ इस कदर दिया हुआ है, ठीक है, पद्धति से संबंधित प्रश्न है, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन है, दशमलव अभिन्न है, संख्याओं के बीच परस्पर है। अगर कुछ मेरे साथी बंधु हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा इंग्लिश के वर्ड्स भी हैं यहाँ पास। क्वेश्चन रिलेटेड टू नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम आप पढ़ते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, फिर इसके बाद रिलेशन बिटवीन नंबर्स, बेसिक न्यूमेरिकल मैथमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, एनालॉजी है। अब देखो यहाँ तक तो आपका प्रॉफिट लॉस तक तो मैथमेटिक्स हो गया, फिर यहाँ से रीजनिंग आ गया, एनालॉजी, सिमिलैरिटी है, डिफरेंशिएशन, स्पेस विजुअलाइजेशन है, स्पेस ओरिएंटेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस है, विजुअल मेमोरी, डिफरेंशिएशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल रीजनिंग है, वर्बल एंड पिक्टोरियल क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल नंबर सीरीज है, नॉन लेटरल सीरीज है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है। ये जो टोटल सिलेबस है ये आपका 50 क्वेश्चन यहाँ से फिलअप होंगे, जिसमें आपका मिला जुला मैथमेटिक्स का सिलेबस है प्लस रीजनिंग का सिलेबस है, ठीक है, जिसको अपन जनरल एप्टीट्यूड बोल रहे हैं। यहाँ से बनेगा आपके 50 क्वेश्चन। कितना इंपॉर्टेंट है, क्या लेवल होगा, बहुत अच्छा लेवल होगा। पीएससी जब भी पेपर पूछता है जनरल एप्टीट्यूड वगैरह, लेवल बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट के साथ चाहिए, मेन प्रैक्टिस का खेल है, तो इसके अंदर आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कहानी आपको समझ में आ गई है। कुल मिलाकर के अगर आप इस एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं और आपके पास बीटेक है, तो आपके पास जो पहला स्टेप है वो 150 नंबर पर 1/4 की माइनस मार्किंग, 3 घंटे का समय, जिसमें 100 नंबर का जनरल इंजीनियरिंग, 50 का आपका नॉन टेक्निकल यानी कि जनरल एप्टीट्यूड, इसमें से मैक्सिमम स्कोर गेन करना है, ताकि आप जब फाइनल मेरिट के लिए जाएं तो वहां पर आपको पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज रहे कि आपने इसके अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर रखा है। फाइनल एडवांटेज में किसमें है, अब इसके बाद जब फाइनल मेरिट बनेगी तो वो 2.5 गुना बच्चे जाएंगे इस टोटल वैकेंसी का फाइनल के अंदर, जिसमें इंटरव्यू होगा उनका, ठीक है, इंटरव्यू है, फिर उनके एमटेक के मार्क्स हैं, एक्सपीरियंस के मार्क्स हैं, बीटेक के मार्क्स, ये टोटल जो प्रोसेस होगी 100 नंबर की है, ठीक है, ये 100 नंबर को भी डिवाइड किया गया है, ये 100 नंबर के अंदर आपका 30 नंबर का इंटरव्यू है, ठीक है, 40% मार्क्स आपके बीटेक के हैं, ठीक है, 40% मार्क्स आपके बीटेक के हैं, 20% मार्क्स आपके एमटेक के हैं, और 10% मार्क्स आपके एक्सपीरियंस के हैं, समझिएगा मेरी बात को। जो आपका 150 नंबर का पेपर हुआ, इसके बाद जो क्वालिफाई हुए उनमें से 100 नंबर का और एक क्राइटेरिया है जो फाइनल मेरिट बनाएगा, उसमें से 30 नंबर का इंटरव्यू, 40 नंबर बीटेक के परसेंटेज, 40 ये नंबर नहीं, ये परसेंटेज है आपके टोटल बीटेक के परसेंटेज का 40%, ठीक है, और ये 20% आपके एमटेक के परसेंटेज का 20%, और ये 10 नंबर आपके एक्सपीरियंस के हैं, ठीक है, तो ये आपके ऐड होकर के फाइनल मेरिट बनेगी और वो फाइनल सेलेक्ट होंगे एस्पिरेंट। तो कहानी आपकी समझ में आ चुकी है। अब मुद्दे की बात ये है कि सर एग्जाम कब तक होगा, तो भाइयों अभी तक इसका अगर बात करते हैं अपन, तो अभी तो इसका आपके सामने अब नोटिफिकेशन आया है कल, अभी इसका एग्जाम होने की संभावना नहीं है, एग्जाम आपका थोड़ा आगे जाएगा, मान लीजिए 3 महीना आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 1 महीने तक तो इसके फॉर्म फिलअप होंगे 16 अप्रैल तक, ठीक है, तो 1 महीने से ज्यादा आपके पास अभी समय, लगभग 40 दिन तक तो इसके फॉर्म फिलअप होंगे, फिर उसके अगले 2 महीने मान लीजिए तब जाके एग्जाम होगा, तो मतलब आपके पास लगभग लगभग मान सकते हो कि एटलीस्ट 100 दिन का समय तो है, 100 दिन का समय है, तो कितना पढ़ना आवश्यक है, अगर दिन में अगर बहुत जल्दी भी पेपर होता है, 100 दिन के अंदर भी पेपर हो जाता है, तो भी आपके पास दिन के 5 से 6 घंटे आपको पढ़ने पड़ेंगे। और मान लीजिए क्योंकि सिलेबस इसका इतना बड़ा है, इतना वास्ट है, जनरल इंजीनियरिंग आपको जिस तरीके की दिख रही है इसमें आपको डेप्थ पढ़नी पड़ेगी, तभी इसके अंदर आपकी नैया पार लगने वाली है, ठीक है, तो आपको कैसे पढ़ाई करनी है, हम आपके लिए क्या करने वाले हैं, तो आप जानते हैं, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, मध्य प्रदेश के अंदर एमपीपीएससी ने, ठीक है, एमपीपीएससी ने आईटीआई प्रिंसिपल की वैकेंसी निकाली थी जस्ट इसके प्रीवियस ईयर 2023 में, टोटल वैकेंसी 198 थी, उसमें हमारा ही एक दूसरा प्लेटफॉर्म है द सिविल पॉइंट, वहां पर हमने इसके डेडिकेटेड बैच चलाए थे, और अभी जो है इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड हुए इसके लगभग लगभग 4 गुना एस्पिरेंट, लगभग 800 एस्पिरेंट, तो उसमें से 400 के आसपास एस्पिरेंट केवल और केवल द सिविल पॉइंट से सिलेक्टेड है, और वही सारी टीम हम अब लेकर के आ रहे हैं आपके पास इस बीपीएससी आईटी प्रिंसिपल के लिए, जो टीम वहां पर लगी थी वही टीम, चूंकि सब्जेक्ट वही है, थोड़ी चीजों का अंतर है और डेप्थ में पढ़ना है यहाँ पर, तो वही सारे
जो फैकल्टीज हैं वही सारी टीम, चाणक्य बैच की चाणक्य टीम एक बार फिर आ रही है बिहार के अंदर आपके, और आपको इस बार आईटीआई प्रिंसिपल के अंदर सिलेक्शन दिलाना है। ठीक है, तो बिहार आईटीआई प्रिंसिपल के लिए कॉन्सेप्ट डिकोडर पर हम लॉन्च करने जा रहे हैं डेडिकेटेड चाणक्य बैच। ठीक है, जिसके अंदर क्या चीजें हम देने वाले हैं एक बार ध्यान से सुन लीजिए, क्या चीजों का मतलब है, क्या चीज हम आपको देंगे। तो मतलब ये कि इसके अंदर आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हैं तो जितना भी आपको कंटेंट इस बैच के लिए चाहिए, मतलब इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट डिकोडर की होगी, जिसके अंदर अगर अपन बात करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीजें मिलेंगी। सबसे पहले तो आपको कंप्लीट लाइव वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी पर डे। ठीक है, लाइव क्लासेस मिलेंगी पर डे, किस किस चीज की, तीनों की, एक तो सिविल इंजीनियरिंग की, एक अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तीनों की लाइव क्लासेस, साथ में जो आपका एप्टीट्यूड वाला पार्ट है इसकी भी लाइव क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, एप्टीट्यूड वाले पार्ट की, तो एक तो आपका कंप्लीट जो भी टाइम लगेगा, मतलब जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक इसकी कंप्लीट लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, कंप्लीट सिलेबस आपका लाइव फॉर्म पर फिनिश होगा, एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ, वो फैकल्टी जिन्होंने ऑलरेडी एमबीपीएससी के अंदर जब आईटीआई प्रिंसिपल की वैकेंसी है तब वहां पर 400 से अधिक सिलेक्शन दिए हैं, उन एक्सपीरियंस फैकल्टीज के साथ यहाँ पर आपके आपके लिए टीम बनाई गई है। ठीक है, चाणक्य बैच के अंदर। अब इसके अंदर कौन कौन, उसके बारे में बात कर लेते, थोड़ा सा कोर्स फीचर समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले लाइव क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ एंड नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने कोई वीडियो देखा, अब आप उसका नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो उसके नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। इसके बाद बात कर लेते हैं टेस्ट सीरीज, जब आपका एक बार सिलेबस फिनिश हो जाएगा तो एज पर एग्जाम पैटर्न हम आपको उसकी टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद सर प्रैक्टिस कहां से करेंगे, इसके क्वेश्चन कहां ढूंढेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। इसके लिए भी कॉन्सेप्ट डिकोडर 100% आपको प्रैक्टिस सेशंस प्रोवाइड करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो सिविल की बात हो, मैकेनिकल, एप्टीट्यूड, किसी भी चीज के लिए आपको परेशान नहीं होना है। सबके भर भर के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे और पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। तो मतलब ये आईटीआई प्रिंसिपल के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका चाणक्य बैच, जिसके बाहर से आपको एक सिंगल एमसीक्यूज भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। सारा का सारा क्लास नोट्स, क्लास के अंदर जो एमसीक्यूज और जो हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे वो सफिशियंट होगा। करना क्या है, कैसे ज्वाइन करना है, क्लास कब से स्टार्ट हो रही, तो ध्यान से सुनिए। आपको जाना है सिंपली आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर और वहां से कॉन्सेप्ट डिकोडर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। और मान लीजिए आप वेबसाइट के थ्रू लैपटॉप पे लॉगिन करना चाहते हैं तो आपको गूगल पे जाना है और वहां पर लिखना है classplus.weblogin, ये आपको टाइप करना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये टाइप करना है। यहाँ पर अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो प्ले स्टोर पर जाके कॉन्सेप्ट डिकोडर एप्लीकेशन, अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो ये वाले वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पर आपसे ओआरजी कोड मांगेगा। जब वेबसाइट पे जाएंगे तो ये DOHTO, इसको आपको ओआरजी कोड डाल देना है और आपको लॉगिन हो जाएंगे। दोनों तरीके से आप लॉगिन कर सकते हैं। वहां पर आपको इस तरीके कुछ बैनर दिखाई देगा चाणक्य बैच का, उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, सर देखिए क्लासेस अभी हम टेक्निकल क्लासेस आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं हमारे पास समय कम है तो हम अभी से लग जाते हैं। अगर हमको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है समय का तो वो और हमारे लिए बेनिफिशियल होगा और हम उसमें और भर भर के प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर सिविल की बात करें तो आप जानते हैं वन एंड ओनली पीयूष सर, इनसे अच्छा फैकल्टी इस टाइम पर और कोई नहीं है, बहुत शानदार पढ़ाते हैं। खैर, आप तो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं कॉन्सेप्ट डिकोडर के माध्यम से। तो पीयूष सर का लाइव सेशन होगा आज से 7 बजे से 8 बजे तक, फोकस्ड जनरल इंजीनियरिंग सेशन, जो आपका सिविल वाला पोर्शन है वो ये कवर करने वाले हैं लाइव क्लासेस के दौरान। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो भारत सर, ठीक है, भारत सर ऑलरेडी वर्किंग यही है, कहां पर, उत्तराखंड के अंदर, बहुत सारा बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है एमबीपीएससी प्रिंसिपल के अंदर और लगभग 15 साल से पढ़ा रहे हैं, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, बहुत शानदार पढ़ाते हैं। 8 से 9 लाइव सेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं उत्तम सर का लाइव सेशन होगा 6 से 7 बजे तक, बहुत शानदार पढ़ाते हैं, गजब का, आपका खुद का रिस्पॉन्स रहा है, आपने भी देखा है वो बीपीएससी यही बैच के अंदर भी पढ़ा रहे थे, बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं, बिहार से ही बिलोंग करते हैं, 10 सालों का एक्सपीरियंस है और बता रहा हूं ना, आप फैन हो जाओगे एक बार अगर सभी टीचर से पढ़ लोगे। इतनी शानदार टीम लेकर के हम उतर रहे हैं, ये सभी चाणक्य की टीम आपकी जनरल इंजीनियरिंग की है। इसके अतिरिक्त जो आपका जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, जो उससे 50 क्वेश्चन आने हैं, इसकी भी फैकल्टी बहुत शानदार, इंडिया की बेस्ट फैकल्टी हम लेकर के आ रहे हैं, जल्द उनका नाम अनाउंसमेंट होगा, 1-2 दिन अंदर उनकी भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। पर फिलहाल आज से ये बैच स्टार्ट हो रहा है आपका चाणक्य बैच, कहां पर, कॉन्सेप्ट डिकोडर एप्लीकेशन पर, सिविल की, इलेक्ट्रिकल की और मैकेनिकल की सारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। अगर आप इस बार चाहते हैं कि आप भी बिहार के अंदर आईटीआई कॉलेज में एक प्रिंसिपल के रूप में सेलेक्ट हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट समय है, बिल्कुल इंतजार मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम कितनी जल्दी हो जाएगा किसी को नहीं पता है, आप अपना सिलेबस फिनिश कीजिए और निश्चित तौर पर आप जैसा देख रहे हैं 76 पोस्ट है बिहार के अंदर, निश्चित तौर पर कंपटीशन हर एग्जाम के अंदर बहुत तगड़ा होता है, तो यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा।
इसलिए बहुत अच्छा समय कि आप अपनी तैयारी पहले से शुरू कर दें, कंप्लीट जनरल इंजीनियरिंग को इतने डेप्थ के अंदर पढ़ लें कि 150 में आप जितना बेहतर स्कोर कर पाए वो बेस्ट होगा आपको आगे फाइनल सिलेक्शन के लिए, और यहीं पर आपकी डिसाइड हो जाएगी आप अगर फाइनल मेरिट के अंदर जाने वाले हैं कि नहीं जाने वाले। तो 150 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत मेहनत करनी है आपको इसके लिए, लग जाइए जी जान लगाकर। कॉन्सेप्ट डिकोडर आपके साथ है, हमारी बेस्ट चाणक्य की टीम आपके साथ है, चाणक्य बैच का कंटेंट आपके साथ है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, जाइए कॉन्सेप्ट डिकोडर एप्लीकेशन पर, बैच स्टार्ट हो चुका है, ज्वाइन करके और अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, आप आने वाले भावी प्रिंसिपल होंगे बिहार के, और बस तैयारी शुरू कर दीजिए, कोई लक्ष्य मुश्किल नहीं, ये बहुत अच्छा समय है और ये बहुत बढ़िया वैकेंसी है, यकीन मानिए। आप किसी अदर डिपार्टमेंट में जाइए, आप गेस्टेड पोस्ट ले जाएंगे 5400 ग्रेड पे के लिए, तो वहां पर अगर देखेंगे तो एक तो अगर एक ही जाते हैं तो उसमें बहुत सारे पेपर आपको देने पड़ते हैं, ठीक है, वहां पर आप पहले 6-6 पेपर देते हैं एक के लिए, यहां पर आपको एक सिंगल रिटर्न एग्जाम है, इसके बाद इंटरव्यू है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, समझ रहे ना, कितना अच्छा अवसर है आपके सामने, और ग्रेड पे तगड़ा ग्रेड पे गेस्टेड पोस्ट आपको मिलने वाली है, ये बहुत अच्छा अवसर है आप सभी के सामने। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या है ना, हर एस्पिरेंट को लगता है कि यार कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, पर जब जॉब मिल जाती है तब उसको लगता है यार अब कोई अच्छी जॉब मिल जाए, तो आपको पहले से भी अच्छी जॉब मिल रही है, मतलब आप पहले से ही अच्छी जॉब में जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सुकून की जॉब है, जिंदगी भर आप सुकून से आईटी प्रिंसिपल में गेस्टेड पोस्ट पर रह सकते हैं, और इससे बेहतर अवसर आपको नहीं मिलेगा, ये भर्तियां हर साल नहीं आती है, तो जी जान लगा दीजिए, बहुत अच्छा समय अपनी तैयारी शुरू करने का, ठीक है। बाकी कंटेंट के लिए परेशान नहीं होना, कंटेंट के लिए हमारी टीम आ चुकी है, चाणक्य बैच के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, अगर कोई डाउट आता तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर भी हम वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।